Hello everyone, this is Priyasha Das from CrackZat, and in this video we'll be talking about the 7 skills which you should have before you start your MBA journey. When मुझसे पूछा जाए तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि you should consider yourself as a clean slate and बिल्कुल वहाँ पे अच्छे से जाइए, समझिए, नई नई चीज़ें explore कीजिए. But still there are certain things which you should know before starting your MBA journey so that it is making your journey a little easeful, you know. And this video is not just for the ones who are starting their MBA journey right now. It is also for those who are planning to give the examination this or the coming year. तो आप लोगों को पहले से पता होगा तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा टू लर्न दीज स्किल्स, राइट? सो स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी फर्स्ट स्किल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आउट ऑफ द 7, द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर स्किल ऑफ नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ डूइंग मिस्टेक्स. देर आर अ कपल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी जिन्हें लगता है कि ये टॉपिक के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो हो सकता है कि मैं चुप ही रहूँ क्लास में तो बेटर है. आई वुड नॉट participate much in the class, but this is not correct. Actually you should participate in the class because most of us are afraid of the fact ki kahin main stupid to nahi sound karne lagunga. But the problem is not that you will sound stupid. The problem is that you will keep your curiosity within yourself. And aap itne paise B school mein apne andar apni curiosity dabane ke liye to nahi de rahe ho, correct? So go and ask the professors, utilize the most of the resources and the professors, you know, and go and ask them the questions even if they are slightly आउट ऑफ कॉन्टेक्स. ठीक है, ज्यादा तो क्या होगा, प्रोफेसर डांट देंगे, बेइज्जती कर देंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना. सो कीप दैट इन माइंड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ यू नो पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, एंड यू लर्न फ्रॉम दैट ओनली. सो रिमेंबर दिस वेरी वेरी क्लियरली. सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू वर्क ऑन इज योर राइटिंग स्किल्स, योर वोकैबुलरी, बिकॉज यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर यू नो रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस एंड ईमेल्स एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट. इतने सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, दैट इज पैराफ्रेजिंग, रीफ्रेजिंग, और आप कह सकते हो कि प्लैगरिज्म से खुद को बचाना. सो फॉर दैट यू नीड टू नो सम डिफरेंट वोकैब वर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड और द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे. सो फॉर दैट योर राइटिंग स्किल्स शुड बी गुड, तो उस पर आप काम कर सकते हो अभी से, सो दैट यू कैन यू नो बी गुड एट दैट एंड बहुत फास्टली आप ये सारी चीज़ें कर सको. द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी एसेंशियल इज ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो आपको एक्सेल के बेसिक फंक्शंस आने चाहिए, शॉर्टकट्स आने चाहिए. ये आपको मोस्टली हर टॉपिक में यूज़ होगा, तो अगर आपको आता है तो बहुत हेल्पफुल होगा. और एक स्पेसिफिक टॉपिक भी होगा जिसमें आपको ये सारे फंक्शन सिखाए जाएंगे, तो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू कैच, अदरवाइज द क्लास विल गो रियली फास्ट फॉर यू. नाउ द थर्ड थिंग रिलेटेड टू एक्सेल ऑफकोर्स इज थर्ड थिंग वी कवर्ड एक्सेल. द फोर्थ थिंग इज द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. प्रेजेंटेशंस तो हमें बनाते ही रहते पड़ते हैं हमेशा, तो इसलिए अगर आपको प्रेजेंटेशन फटाफट बनानी आती है या वो कुछ बेसिक स्किल्स पता है कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, दैट विल रियली हेल्प यू टू यू नो रिड्यूस द टाइम, बिकॉज एक दिन में बहुत सारे असाइनमेंट्स रहेंगे, सो यू हैव टू यू नो कीप इन पेस विद दैट. तो PPT में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया. नाउ दिस मेक्स अप 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स. नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कुड से, दैट इज case studies. So you remember, right? I told you this before also that reading comprehension का बार बार आपके सारे टेस्ट में देने का purpose ही ये है कि आपके अंदर से वो skill को test करना कि कैसे आप लंबी लंबे case studies जो 20-25 pages तक भी extend जा सकते हैं, उन case studies के बीच से आप important information निकालें और उसको analyze करें. तो मैंने आपको different mental models और analysis tricks भी एक आध video में बताए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप different analysis और टूल्स यूज करके एक समरी निकाल सकते हो अपने केस स्टडी की. तो उन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, एंड इफ यू नो नीड मोर हेल्प इन दिस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड विद दिस ऑफकोर्स you will be really, you know, if you are doing or practicing it before getting into the B school, aap bahut acha karoge compared to others. So this makes 5 points. Now the 6th point is again a very essential point. Wo bahut hatke point bolne wali hu, to I hope you people would find it relevant. Aapne ek core subject liya hoga, like it can be business management, HR, it can be finance, marketing, whatsoever. So I'm not asking you to read the books from now on only. I'm rather asking you to go and Google out some glossary terms related to it. For example, अगर मैं human resource glossary type करती हूँ Google में, तो मुझे a list of words मिल जाएंगे जो frequently use होंगे
HR की textbooks में, articles में, cases में and so on. So that will make me more, you know, habituated with those terms and also acknowledging those terms before actually doing it in the class would really help you. So that कभी भी इसे आपके class discussion में कोई कुछ पूछता है या आप कुछ पहले से खुद से पढ़ते हो तो you would not feel like going back to the Google and finding it out कि इसका मतलब क्या होता है. तो every day you can learn around 5 to 6 words of your core subject, whatever you're taking, and that would really help you to, you know, increase the knowledge base. And last but not the least, of course, that is our communication skills. Ye sabse important hai MBA mein, because no matter how well you make a presentation, how well you write a report, until and unless you are having that skill of presenting it the right way, you might lose out on something or the other. So make sure that you're communicating well and make sure that you're working on your communication. And one very bitter and harsh truth that even for your placements, the companies will be taking your interviews in English only. So aapko to English mein fluent hona padega. It's not a one night thing. So you have to work on it every day. Talk with yourself. Okay. And jaise maine kaha, mera best way hai wo karne ka, that whenever I plan my day or I plan out the things ki mujhe ऐसे करना है वैसे करना है, आई डू इट इन इंग्लिश. आई थिंक अबाउट इट इन इंग्लिश, लाइक ओके आई गेट अप एट दिस टाइम, आई गो टू द कॉलेज, आई डू दिस, आई डू दैट, आई कम बैक, आई राइट दिस, आई कंप्लीट दिस असाइनमेंट. सो ऑल ऑफ दिस इज फ्रेम्ड इन इंग्लिश. सो इफ यू डू इट लाइक दैट फ्रॉम नाउ ऑन ओनली विदाउट एनी प्रॉपर कोर्स ऑल्सो, यू कैन रियली वर्क वेल इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दीज वर द 7 थिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट. इफ यू नीड एन एलैबोरेशन ऑन एनी वन ऑफ द पॉइंट्स और एनीथिंग मोर देन दैट, you can feel free to drop it below in the comment section. I'll be more than happy to answer you, and all the best for your journey, and make sure you save this so that you can refer to it later also if you are the one who is preparing for the next year or coming years. Thank you so much. Please do like this video and share it with more and more people, guys. This is how you will show your love towards this channel. And yes, if you're new to the channel, do subscribe to the channel as well. Thank you so much. Cragzat wishes you all the best.